हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज अदिति और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गई हूँ क्लास सेवेंथ एनसीईआरटी हिस्ट्री की समरी। तो गाइस, इस बुक के हम लोग दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम पहले चैप्टर में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि किस प्रकार के डेवलपमेंट्स हमें जो मेडिवल एज है उसमें देखने को मिलेंगे, जो मेडिवल का टाइम है उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सेकेंड चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से नए राजा और नए राज्य, ठीक है, यहाँ पर पाए गए थे और कौन से नए राजा थे जो कि बहुत ज्यादा उसमें आए थे, ठीक है, हाईलाइट हुए थे, ठीक है। और सारे जो रीजन था आपका कावेरी डेल्टा वाला जो रीजन था, इन सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। आज का जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर थ्री, और चैप्टर नंबर थ्री में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सुल्तान के बारे में, ठीक है। अब दिल्ली सुल्तान कौन थे, ठीक है, कौन दिल्ली में किसने राज किया, ये सारी चीजें आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो अब देखिए, जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर टू में ये देखा था कि जो रीजन था कावेरी डेल्टा का वो एक सेंटर बन गया था लार्ज किंगडम्स का, ठीक है। और उस समय भी हमने एक चीज नोटिस करी थी कि जो किंग मतलब कोई भी किंगडम, ठीक है, किसी भी किंगडम की कैपिटल दिल्ली नहीं था। अब दिल्ली किसी भी किंगडम की कैपिटल क्यों नहीं था, बिकॉज दिल्ली वाज लाइक वो एक इम्पोर्टेंट सिटी था पर 12th सेंचुरी में, क्योंकि दिल्ली को सबसे पहले कैपिटल बनाया गया था तोमर राजपूत के अंडर, मतलब जो तोमर राजपूत थे उनके अंडर दिल्ली सबसे पहली कैपिटल था, ठीक है। और इनको हराया गया था चौहान्स के द्वारा। चौहान्स कौन होते हैं, आपके चहमांस जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि अजमेर के थे, उन लोगों के द्वारा हराया गया था तोमरों को। और उसके बाद अब इनको हराया कब गया था, जो मिड था आपका 12th सेंचुरी का, 12वीं सदी की जो मिड था उस टाइम पे इनको तोमर राजपूतों को हराया गया था चौहान्स के द्वारा, ठीक है। नाउ इट वाज अंडर द तोमर एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। अब जो दिल्ली था आपका वो एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बन चुका था, और बहुत से जो रिच आपके जैन मर्चेंट वगैरह थे वो इस सिटी में रहते थे, ठीक है। और इन्होंने कई सारे मंदिर भी बनवाए यहाँ पे, कॉइन्स भी थे यहाँ पे, और जिन्हें हम दिल्ली वाल बोलते थे, एंड दे हैड अ वाइड सर्कुलेशन ऑल्सो, ओके। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था दिल्ली का, ठीक है, कैपिटल में किस प्रकार से हुआ कि दैट कंट्रोल वास्ट एरियाज ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अब क्या हो रहा था कि ये मतलब कंट्रोल हो सकते थे यहाँ से जो भी बाकी के जो एरियाज थे, जो वास्ट एरियाज थे, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के, विच स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। अब क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ था दिल्ली का एक कैपिटल में, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, वो कंट्रोल कर रहा था काफी ज्यादा एरिया को जो कि सब कॉन्टिनेंट में थे, ठीक है। और ये जो फाउंडेशन, मतलब ये जो ये शुरुआत जो हुई थी, वो जो फाउंडेशन थी आपकी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, वो और ये शुरुआत हुई थी आपकी 13वीं सेंचुरी में। तो ना अब एक हमें यहाँ पे नीचे टेबल दी गई है, तो इस टेबल में हम लोग देखेंगे, ठीक है, और आइडेंटिफाई करेंगे वो 5 डायनेस्टीज, ठीक है, जिन्होंने एक साथ मिलके दिल्ली सल्तनत को बनाया था। अब दिल्ली के जो सुल्तान थे, दे बिल्ड मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नो एज दिल्ली, ठीक है। अब जैसे कि मैप वन में हम देखेंगे, नाउ लुक एट मैप वन एंड लुक एट दिल्ली, एक कुन्हा एंड सिरी ए जापना, ठीक है। अब देखिए, सिरी ए जापना ये रहा, ठीक है, और दिल्ली ए कुन्हा ये रहा। तो क्या था कि दिल्ली के जो सुल्तान थे, ठीक है, द सुल्तान्स बिल्ड मेनी सिटीज इन द एरिया, उन्होंने कई सारे सिटीज बनाए एरिया में, ठीक है, और जिसको हम लोग दिल्ली बोलते हैं, यहाँ पे आपको तुगलकाबाद, अदलाबाद, ठीक है, और ये आपको कुतुब मीनार, ठीक है, आपका हौस सुल्तानी, हौस खास, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, ठीक है, ये इन्हीं लोगों द्वारा बनाई गई थी। अब बात करते हैं, ये देखिए, ये है टेबल नंबर वन जिसके बारे में बात कर रहे थे कि जिन कौन से वो 5 रूलर्स थे जिनके मतलब जिनके एक साथ होने की वजह से ये दिल्ली सल्तनत, जिनकी वजह से दिल्ली सल्तनत फॉर्म हुआ था। अब वो कौन थे, तो देखिए, जो राजपूत डायनेस्टी थी, ठीक है, उसमें आपके तोमर आते हैं। तो जो आपके तोमर थे, दे वर लाइक अर्ली 12th सेंचुरी, यानी कि 1165 में इनको पाया गया। जो आपके अनागा पाला थे, ठीक है, 1130 से लेकर 1145 तक का इनका राज्य था यहाँ पे। फिर बात करते हैं हम चौहान्स की, तो चौहान में सबसे बड़ा नाम पृथ्वीराज का आता है, तो पृथ्वीराज चौहान का, तो देखिए, चौहान्स ने कब से कब तक राज किया, 1165 से लेकर 1192 तक चौहान्स का राज्य था।
तो पृथ्वीराज का चौहान, जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका राज्य कब से था? उनका राज्य था 1175 से। ठीक है, इनको तो आप जानते होंगे जिन्होंने गौरी को हराया था। ठीक है, नाउ अर्ली टर्किश रूलर्स के बारे में बात करते हैं। अब जो तुर्की के जो रूलर्स थे, जो टर्किश रूलर्स थे, उनका राज्य था करीब 1206 से लेकर 1290 तक का। इसमें आपके कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाते हैं, जो कि 1206 से लेकर, इनका सिर्फ 4 साल का टेन्योर था। ठीक है, 1206 से लेकर 1210 तक का। फिर इनके बाद आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जिनका 1210 से लेकर 1236 तक का था। फिर उनकी बेटी थी जो रजिया, ठीक है, फिर जो रजिया बेगम थी उनका जो टेन्योर था वो था 1236 से लेकर 1240 तक का। अब इनका टेन्योर कम क्यों था? ठीक है, 36 से 40 सिर्फ 4 साल का क्यों था, इस बारे में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, फिर आते हैं आपके गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन का 1266 से लेकर आपका 1287 तक इनका राज्य था। फिर बात करते हैं हम लोग खलजी डायनेस्टी की। अब जो खलजी डायनेस्टी थी उसमें इनका जो खलजी डायनेस्टी का जो हम टेन्योर था वो था करीब 1290 से लेकर 1320 तक का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जलालुद्दीन खलजी जिनका जो राज्य था वो था करीब 1290 से लेकर 1296 तक। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खलजी आ जाते हैं, इनका था 1296 से लेकर 1316 तक। ना तुगलक डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। तुगलक डायनेस्टी आपकी फॉर्म हुई थी 1320 में एंड देन 1414 में। तो जो गियासुद्दीन तुगलक थे वो आए थे आपके 1320 में और उनका राज्य करीब 4 वर्ष तक रहा। फिर मोहम्मद तुगलक के बारे में बात करते हैं, जिनका 1324 से लेकर 1391 तक राज्य रहा। फिर फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करते हैं, 1351 से लेकर 1388 तक इनका राज्य रहा। ठीक है, फिर बात करते हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में। सैयद डायनेस्टी आपकी 1414 से लेकर 1451 तक इनका राज्य था और इनमें जो खिजार खान थे, जो कि फेमस रूलर थे सैयद डायनेस्टी के, उनका जो टेन्योर था वो था करीब 1414 से लेकर 1421 तक। फिर आपकी आ जाती है लोदी डायनेस्टी। लोदी डायनेस्टी कब से कब तक थी? 1451 से लेकर 1526 तक का इनका राज्य रहा था, जिसमें आपके जो बहलूल लोदी हैं उनका राज्य था 1451 से लेकर 1489 तक का। ठीक है, तो ये कितनी डायनेस्टीज हो गई? एक देखिए राजपूत हो गए आपके, फिर तुर्की के हो गए, फिर खलजी हो गए, ठीक है, तुगलक हो गए, सैयद हो गए, लोदी हो गए। तो इन सबके कॉन्ट्रीब्यूशन से जाके बना था दिल्ली सल्तनत। ठीक है, फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान। सो ऑल्दो जैसे कि आप देखिए हम लोगों को इन सारी चीजों की जानकारी, जैसे इन सब के बारे में हम कैसे जानकारी लेते हैं, या तो इनके द्वारा बनाई गई कुछ, इनके द्वारा कुछ इंस्क्रिप्शन जो हमें मिली हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो बनाए हुए कॉइन्स हैं वो हमें मिले हैं। ठीक है, जो आर्किटेक्चर है वो क्या करता है, वो इनके बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है कि इनकी जो लाइफस्टाइल थी वो किस प्रकार से थी। ठीक है, एंड स्पेशली वैल्यूएबल हिस्ट्रीज जो हमें पता चलती है, ठीक है, जैसे कि तारीख हो गई, ठीक है, और ये सारी चीजें क्या, ये सब पर्शियंस में लिखी, ये सारी चीजें आपकी पर्शियन में लिखी थी एंड द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। अब जो दिल्ली सुल्तान थे उनके अंडर लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी थी? पर्शियन थी, यानी कि फारसी भाषा जो थी वो इनके अंडर जो लैंग्वेज थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज थी वो थी। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं जो ऑथर्स थे आपके, ऑथर्स ऑफ तारीख थे, दे वर लर्नड मेन, वो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, दे वर सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कोर्टियर्स, ठीक है, एंड हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल। ओके, नाउ अब देखिए इन फिगर्स में देखते हैं, यहाँ पे 4 फिगर्स दी गई हैं। तो पहली फिगर में आप देखें कि यहाँ पर एक पेपर बनाया जा रहा है, जो कागज बनाने की जो प्रोसेस है वो हो रही है। दूसरे में देख रहे हैं हम कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा जा रहा है। तीसरे में देख रहे हैं हम कि जो गोल्ड है उसको मेल्ट किया जा रहा है। ठीक है, और चौथे में हम देख रहे हैं कि जो मतलब ही इज प्रिपेयरिंग अ बुक फॉर बाइंडिंग, मतलब बाइंडिंग हो रही है यहाँ पे, हम बाइंडिंग करते हैं ना उसी प्रकार से। चलिए अब बात करते हैं, कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। अब इन कुछ डिटेल्स को अपने दिमाग में रखना है। पहली चीज देखिए, जो ऑथर्स थे तारीख के
ठीक है, दे लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली में एंड हार्डली एवर इन विलेज. अब ये विलेजेस में नहीं रहते थे, ये रहते थे कहाँ पे, इस शहर में रहते थे. और दे ऑफन रोट द हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड्स. अब ये अपने जो सुल्तान होते थे उनके मतलब उनके लिए ये सारी चीजें लिखते थे. ठीक है, किस लिए लिखते थे, ताकि इनको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सके. ठीक है, तो ये जो ऑथर्स थे, दे एडवाइज द रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस. सो द आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी. तो अब इन ऑथर्स जो थे, इन्होंने एडवाइस किया था रूलर्स को ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर. एक आइडियल सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व किया जाए जो कि बेस्ड था आपके बर्थ राइट पे, ठीक है, दूसरा जेंडर डिस्टिंक्शन पे. तो ये जो आइडियाज थे ये सबके साथ शेयर हो नहीं पाए, ठीक है, दे वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबॉडी. ठीक है, और इन 1236 जो सुल्तान अल्तुतमिश थे, उनकी जो पुत्री थी, उनकी जो बेटी थी रजिया, ठीक है, वो बनी थी सुल्तान. बट द क्रॉनिकल एज ऑफ The chronicler of the age, Minhaj e-Siraj, recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. So she was removed from the throne in 1240. अब देखिए, रजिया को मतलब सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया. अब पहली चीज ये देखिए, जो सुल्तान आपके अल्तुतमिश थे, ठीक है, कि उनकी पुत्री थी रजिया. 1236 के टाइम पे जब अल्तुतमिश ने सोचा था कि उनके बाद उनकी राजगद्दी पे कौन बैठेगा, तो जो रजिया थी, देखिए रजिया बहुत ही ज्यादा मतलब पढ़ी लिखी थी, शी वॉज वेरी क्वालिफाइड. ठीक है, तो जो यहाँ पे जो क्रॉनिकल थे, ठीक है, मिन्हाज सिराज, उन्होंने ये चीज नोटिस करी कि जो रजिया है वो अपने सारे भाइयों के मुकाबले देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा काबिल है. ठीक है, बट क्योंकि वो लड़की थी और लड़की को एज अ रूलर देखना उन्हें अच्छा नहीं लगा, ना ही किसी जितने भी नोबेल वगैरह थे उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उनको राजगद्दी से हटा दिया गया. कब हटाया, 1240 में उनको हटा दिया गया था. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी वजह थी, ठीक है, उनको हटाने की. तो 1236 में उनको सुल्तान बनाया गया और 1240 में उन्हें हटा दिया गया, क्योंकि वो एक लड़की थी और मतलब उनको ये चीज, लोगों को ये चीज खटक रही थी कि क्वीन एज अ रूलर कैन नॉट वर्क दैट वेल. ओके, और चाहे वो कितनी भी क्वालिफाइड हो. नाउ बात करते हैं From garrison town to empire, the expansion of Delhi Sultanate. अब देखिए, Delhi Sultanate जो थी वो किस प्रकार से expand हो रही थी, इस चीज पे हम देखेंगे. तो करीब जो आपकी 13th सेंचुरी जो थी, तो जो कंट्रोल था दिल्ली सुल्तान्स का, that really went beyond heavily fortified towns occupied by the garrisons. ठीक है, अब जो सुल्तान्स थे, they seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon the trade, tribute or plunder for supplies. अब ये जो आपके सुल्तान थे, ठीक है, तो जो मतलब इनका जो कंट्रोल था, so they seldom they controlled, ठीक है, and जो cities थी, ठीक है, वो डिपेंडेंट थी किस पे, ट्रेड पे डिपेंडेंट थी, ट्रिब्यूट पे डिपेंडेंट थी, या फिर दे वर लाइक और प्लंडर ऑफ फॉर सप्लाईज आल्सो. ठीक है, तो कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. अब क्या हो रहा था कि जैसे जो आपके बाकी के जो एरियाज थे, ठीक है, उनको दिल्ली से कंट्रोल करने में बड़ा मुश्किल हो रही थी. तो रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स. अब चाहे मतलब जो वॉर हो रहे हैं, चाहे आपका बुरा मौसम है, तो ये क्या हो रहा था, इट कुड इजिली वॉज नॉट लाइक जो कम्युनिकेशन रूट्स थे वो भी मतलब क्लियर नहीं हो पा रहे थे. सो दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चेंज बाय मंगोल इन्वेजन. अब जो दिल्ली की अथॉरिटी थी वो इसलिए भी बदली गई क्योंकि जो मंगोल्स थे उनके इन्वेजन की वजह से, दैट टू फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ सुल्तान्स वीकनेस. और उन जो वो जो गवर्नर्स थे जो कि मतलब सुल्तान की जैसे भी वीकनेस के बारे में उन्हें पता चल जाता था, तो उन रिबेलियस
गवर्नर्स के द्वारा भी, तो जो सल्तनत थी ठीक है वो मतलब बहुत इट वाज लाइक किसी भी हालत में नहीं थी सर्वाइव करने के इन सारे चैलेंजेस से. सो इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ गियासुद्दीन बलबन. तो जिनका कंसोलिडेशन था वो अकर कब करा, जब आपके जो गियासुद्दीन बलबन थे ठीक है, एंड फर्दर जो एक्सपेंशन हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और आपके मोहम्मद तुगलक के अंडर. तो जो फर्स्ट सेट था आपका कैंपेन्स का, तो फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स. तो ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स जो जंगल थे वहां पे उनको क्लियर किया गया, गंगा यमुना जो द्वाब पड़ता था उस पे, और जो हंटर्स और गैदरर्स थे जो पैस्टोरलिस्ट थे उनको एक्सपेल कर दिया गया उनके हैबिटेट से, मतलब उनको हटा दिया गया उनके हैबिटेट से ठीक है. तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं. जो ये लैंड थे दीज लैंड वर गिवन टू पीजेंट्स, अब ये जो लैंड थे इनको पीजेंट्स को दे दिया गया ठीक है, और एग्रीकल्चर को बढ़ाया गया और नई मतलब न्यू फोर्ट्रेसेस और गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश. अब नई नई जो टाउन्स वगैरह थे उन सबको एस्टेब्लिश किया. क्यों? क्योंकि वो ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट कर सके और प्रमोट कर सके रीजनल ट्रेड को ठीक है. सो जो सेकेंड एक्सपेंशन था वो अकर किया था आपका अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर. देखिए पहला हुआ आपका इंटरनल में, अब एक्सटर्नल फ्रंटियर की बात करते हैं हम सल्तनत की. तो जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस थी ठीक है सदर्न इंडिया में, it started during the reign of Alauddin Khalji and culminated with Muhammad Tughlaq. So in their campaign, जो सल्तनत आर्मी थी ठीक है, they captured elephants, horses, slaves and carried away precious metals also. So by the end of Muhammad Tughlaq reign, करीब 150 साल बाद ठीक है, somewhat humble beginnings, जो armies थी आपकी दिल्ली सल्तनत की, they had marched across a large part of the subcontinent. So they had defeated rival armies and seized cities. तो इन्होंने कई लोगों को defeat किया और seize भी करी बहुत सारे शहर को. तो जो सल्तनत थी they collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its reign. So, but how complete and effective was its control over such a vast territory? तो देखिए ये देखिए जो मस्जिद है ठीक है, मस्जिद का मतलब आप लोगों को पता होगा, मस्जिद मतलब होता है एक मॉस्क ठीक है, जहां पे जो जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है वो जाके वहां पे वर्शिप करते हैं ठीक है. एंड इट इज लाइक इट्स एन कॉन्ग्री क्रेडेंशियल मॉस्क ठीक है, मस्जिद है जामी और जामा मस्जिद जैसे हम बोलते हैं, ये जामा मस्जिद है आपकी ठीक है. सो मेंबर्स ऑफ कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रिस्पेक्ट लर्न मेल एज द लीडर, जो कि आपका इमाम होता है ठीक है, बाकी सारी रिचुअल्स ऑफ प्रेयर के लिए. ही ऑल्सो डिलीवर्स द सिमोन मतलब खुतबा, खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर ऑल्सो ठीक है. सो ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स या दे स्टैंड फेसिंग मक्का ठीक है. यू पीपल हैव नोन अबाउट मक्का, वॉट इज मक्का ठीक है, मक्का इज अ वर्शिप प्लेस फॉर ऑल द मुस्लिम्स एंड इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट दैट इज कॉल्ड द किबला ओके. नाउ जो दिल्ली सुल्तान है उन्होंने काफी सारे मॉस्क वगैरह बनवाए सिटी में ठीक है, ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में, एंड दीज डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ द इस्लाम एंड मुस्लिम्स. अब ये सारी चीजें क्या क्लेम करती हैं, ये सारी चीजें क्लेम करती हैं कि ये इस्लाम के और मुस्लिम्स के प्रोटेक्टर्स बनेंगे. सो मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स. नाउ हु शेड अ बिलीफ सिस्टम एंड अ कोड ऑफ कंडक्ट. सो इट वॉज नेसेसरी टू रिइंफोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड एक क्लोजर लुक लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन जो कि खलजीज और तुगलक के अंदर हो रहा था. तो कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है. सो रादर देन अपॉइंटिंग एस्ट्रोक्रेट्स और लैंड किफ्तांस एज गवर्नर्स, जो अर्ली दिल्ली के सुल्तान थे वो क्या करते थे, वो जैसे कि आपके इल्तुतमिश हो गए, वो फेवर करते थे, ही यूज टू फेवर द स्पेशल स्लेव्स परचेस फॉर मिलिट्री सर्विस ठीक है, जिन्हें वो बंदागन बोलते थे पर्शियन में, एंड दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम, एंड सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर
the Sultan could trust and rely upon them. Okay, now जो खलजी और तुगलुक थे उन्होंने कंटिन्यू कर लिया था, ठीक है, दे कंटिन्यू टू यूज बंदागन एंड ऑल्सो रेस पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस. अब क्या होता था कि इनके जितने भी ये क्लाइंट्स वगैरह होते थे, ठीक है, इनको ये हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पे पहुंचा देते थे एंड दे वर अपॉइंटेड एज जर्नल्स एंड गवर्नर्स. सो हाउएवर दिस इज ऑल्सो इंड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अब देखिए पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सारी चीजें करते थे, ठीक है, दे यूज टू अपॉइंट लाइक वो अपॉइंट करते थे जर्नल्स, जितने भी क्लाइंट्स वगैरह होते थे उनको जर्नल्स गवर्नर्स, ठीक है. सो समवेयर ऑर द अदर देयर वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड जो स्लेव्स थे जो क्लाइंट्स थे दे वर लॉयल टू देयर मास्टर्स. मतलब अब उनको ये लगता था कि हमारे अलावा कहीं और तो जा नहीं सकते, यानी कि इनके तरफ से हमें लॉयल्टी शो मिलेगा, ठीक है, और ये हमारी तरफ लॉयल होंगे, यानी कि हम जो चाहें वो काम इनसे करवा सकते हैं, है कि नहीं. तो इस वजह से उन्होंने इनको एज स्लेव्स और सर्वेंट्स रख रखा था, ठीक है. सो एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू मोबिलिटी. मतलब जो नया सुल्तान था, जो नया आपका राजा आया, उसने ये चीज देखी, ठीक है, उन्होंने ये देखा कि मतलब इट इज एज अ रिजल्ट दैट द एक्सेशन ऑफ न्यू मोनार्क, ठीक है, उन्होंने ये कॉन्फ्लिक्ट देखा जो पुराना और जो नई, जो आपका जो नई मोबिलिटी उसके बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट था वो. सो द पैटर्नेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान ऑल्सो शॉक्ड मेनी एलाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तारीख क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉन्ड टू हाई ऑफिसर्स. मतलब अब जो इनकी तारीख है, ठीक है, उसमें क्रिटिसाइज भी किया गया है दिल्ली सुल्तानों को क्योंकि उन्होंने अपॉइंट कर रखा था लो एंड बेस बॉन्ड को, ठीक है, वो भी अपने हाई फाई ऑफिसर्स में. Like the earlier सुल्तान जो खलजी थे, तुगलक थे, मोनार्क थे, ठीक है, मोनार्क उन्होंने अपॉइंट किया था, ही अपॉइंटेड अ मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस. सो दीज लैंड्स वर कॉल्ड एकता. अब इन सारे लैंड्स को क्या बुलाया जाता था, एकता बुलाया जाता था, और जो उनके होल्डर होते थे उनको एकतादार, ठीक है, और मुक्ति. So, जो ड्यूटी होती थी आपके मुक्तिस की, there was also to lead military campaigns and maintain law and order in the Ektas. So, in exchange for their military services, जो मुक्तिस थी, they collected the revenue of their assignments as salary. Now, ये मतलब आपके जो soldiers वगैरह होते थे, उनको भी pay करते थे, ठीक है, from the जितने भी revenues वगैरह आते थे उनसे. And control over muktis was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted. So these harsh conditions of service was like rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Mughlak and Muhammad Tughlaq. अब देखिए मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये सारी चीजों का opposition जोर शोर से किया गया, ठीक है, और जो accountants थे, accountants को appoint किया गया by the state to the check टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तिस, ठीक है. अब जो आपके अकाउंटेंट्स थे उनको अपॉइंट किया गया ताकि वो ये देख सके कि किस कितना कितना अमाउंट आ रहा है रेवेन्यू का, ठीक है, बाय मुक्तिस. सो केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड ही केप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स. अब ये चीज बहुत इंश्योर की जाती थी कि जो मुक्तिस होते थे वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स कलेक्ट करें, ठीक है, जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है स्टेट के द्वारा, और उसके बाद दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स. ओके, सो एज दिल्ली सुल्तान्स बॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल दे फोर्स द लैंडेड कीर्तन्स द समानता एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. सो अंडर अलाउद्दीन खलजी जो स्टेट थी, ठीक है, दैट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल. तो जो राइट्स थे आपके लोकल कीर्तन्स के टू लेवी टैक्स वो कैंसल्ड, उनको कैंसिल कर दिया गया था एंड वो ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस. उनको फोर्स किया गया था कि वो टैक्सेस पे करें. तो जो सुल्तान्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, ठीक है, दे मेजर द लैंड एंड केप्ट
केयरफुल अकाउंट्स, मतलब वो मेजर करते थे लैंड्स को, और एक केयरफुल अकाउंट्स में मतलब एक केयरफुल तरीके से उसको रखते थे. सो सम ऑफ द ओल्ड किफ्तान्स एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व्ड द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड असेसर्स. अब जो पुराने जितने लैंडलॉर्ड वगैरह होते थे क्या करते थे, ये जो सल्तनत है ठीक उसको सर्व करते थे. ठीक है, और जो मतलब there were three types of taxes, तीन तरह के taxes होते थे. जो पहला cultivation पे होता था उसे बोलते थे खरज, and it's amounting to about 50% of the peasants produce, मतलब जितना भी peasant ने produce किया होगा उसका 50% करीब का tax. फिर दूसरा tax था cattle पे, और तीसरा tax था घरों पे. ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट द लार्ज पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट रिमेंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान. अब ये चीज भी जाननी बहुत जरूरी है कि मतलब बहुत बड़ा, बहुत लार्ज पार्ट जो था सबकॉन्टिनेंट का, ठीक है, वो बाहर की तरफ ही रहा. ठीक है, उस पर जो कंट्रोल था दिल्ली का, दिल्ली सुल्तान का. सो इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, एंड सून आफ्टर एनेक्सिंग साउथ सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट इवन इन द गैंगेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज. नाउ जो सल्तनत थी दैट फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, एंड जो लोकल किफ्तान्स थे दे एस्टैब्लिश्ड देयर रूल इन दीज रीजन्स. अब जो लोकल किफ्तान्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने एरिया में खुद रूल बनाए. ठीक है, और जो आपके जो रूलर्स थे अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, दे कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन. वो लोग अपना जो रूल था, जो कंट्रोल था, उसको फोर्स कर सकते थे बट सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय के लिए. फिर आगे बढ़ते हैं. जो मंगोल थे आपके अंडर चंगेज खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सियाना इन नॉर्थ ईस्टर्न ईरान, करीब 1219 में उन्होंने ऐसा किया. और जो दिल्ली था सल्तनत थी, ठीक है, दैट फेस देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर. तो जो मंगोल्स थे उन्होंने अटैक किया दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत पर, एंड दे इंक्रीज ड्यूरिंग द ट्राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल. सो दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, जिसने मतलब विच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी हाउ द टू सुल्तान्स डेल्ट विद देम. तो एक बात कर रहे हैं हम अलाउद्दीन खलजी की और दूसरी मोहम्मद तुगलक की. तो पहले बात करेंगे हम खलजी के बारे में. तो खलजी वाज अटैक्ड ट्वाइस. जो दिल्ली था वो दो बारी अटैक्ड हुआ था, 1299 से लेकर 1300 तक. ठीक है, और 1302 से लेकर 1303. एज अ डिफेंसिव मेजर अलाउद्दीन खिलजी रेज द लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. फिर बात करते हैं मोहम्मद तुगलक की. तो जो सल्तनत थी उसको अटैक किया गया था इन अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक. ठीक है, तो जो मंगोल्स थे, मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड. मोहम्मद तुगलक जो थे वो बहुत कॉन्फिडेंट थे अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी एंड हिज रिसोर्सेज टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांसोक्सिया. So he therefore raised a large standing army. फिर बात करेंगे हम अलाउद्दीन खलजी के बारे में. तो अलाउद्दीन खलजी ने अलाउद्दीन कंस्ट्रक्ट किए थे बहुत सारे नए गैरिसन ग्राउंड. ठीक है, और जिनका उन्होंने नाम रखा था सिरी फॉर हिज सोल्जर्स. फिर बात करेंगे हम मोहम्मद तुगलक के बारे में. तो rather than constructing a new garrison town, वो जो oldest बाकी की चार सिटीज थी दिल्ली की, ठीक है, that was emptied if its residents of the old cities were sent to the new capital of Daulatabad in the south. तो ये basically अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बारे में. ठीक है, आप लोग इस चीज को याद रखें, it's very important. Now moving forward, जो list है इसमें जो मोहम्मद तुगलक हैं, ठीक है, मोहम्मद तुगलक के जो फेलियर थे, we sometimes forget that. For the first time in history, the Sultanate, a Delhi Sultan, planned a campaign to capture Mongol territory. Unlike Alauddin's defensive measure, Mohammad Tughlaq's measure were conceived as a part of military offensive against the Mongols. ठीक है, अब जो सल्तनत थी आपकी 15th और 16th century में कैसी थी ये जानेंगे. सुना, you will notice that after the Tughlaq, जो सैयद dynasty और लोधी dynasties थी, ठीक है, उन्होंने rule किया आगरा और दिल्ली अंटिल 1526 तक. बाय देन जो जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड एंटायर साउथ इंडिया हैड डिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टैब्लिश फ्लरिशिंग
states and prosperous capital. So this was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and Rajputs. तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हम लोगों ने नोटिस किया था कि बाद में आपके तुगलक और सैयद और लोधी डायनेस्टी को ऐड किया गया है, ठीक है. सो बेसिकली ये डायनेस्टीज को ऐड करने के बाद क्या हुआ है कि दे रूल्ड फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, रूल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा अंटिल 1526 तक उन्होंने दिल्ली टू आगरा रूल किया. और जैसे कि अभी जौनपुर हो गया, बंगाल हो गया, मालवा हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मतलब बाकी के जितना भी आपका साउथ इंडिया है वो. तो वहां पे क्या थे, वहां पे इंडिपेंडेंट रूलर्स थे जो कि एस्टैब्लिश करते थे, दे हु एस्टैब्लिश फ्लरिशिंग स्टेट्स और प्रॉस्पेरस कैपिटल्स को. सो दिस वाज आल्सो द पीरियड जिसमें देखा जाता है एमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप जैसे कि अफगान्स और राजपूत, ठीक है. सो सम ऑफ द स्टेट्स एस्टैब्लिश इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल. अब कुछ जो स्टेट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी वो छोटी जरूर थी मगर बहुत पावरफुल थी और बहुत अच्छी तरीके से के एडमिनिस्ट्रेटर थी. जो शेरशाह सूरी थे आपके 1540 से लेकर 1545 तक का इनका टेन्योर था. सो ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली जो चैलेंज था, जो चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं, ठीक है. अब देखिए जो आपके शेरशाह सूरी थे, ठीक है, ही स्टार्टेड हिज करियर, उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज मैनेजर, ठीक है, और उन्होंने मैनेजर थे वो एक स्मॉल टेरिटरी के, ठीक है. तो फॉर हिज अंकल इन बिहार इवेंचुअली चैलेंज एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर. अब इनको, इन्होंने एक मुगल एम्परर को हरा दिया गया था जिसका नाम था हुमायूं, ठीक है. 1530 से लेकर 1540 तक का टेन्योर था हुमायूं का और 1555 से लेकर 1556 शेरशाह कैप्चर किए गए थे. शेरशाह कैप्चर दिल्ली और एस्टैब्लिश किया था उन्होंने एक नई डायनेस्टी को. ऑल दो जो सुर डायनेस्टी रूल्ड है, मतलब ऑल दो सुर डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 15 years, ओके, एंड इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम द अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर एफिशिएंट. तो जो शेरशाह सूरी थे आपके, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इट बिकेम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर जो कि 1556 से लेकर 1605 तक के आए थे एंड व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर. तो बेसिकली यहाँ आपका चैप्टर 3 होता है कंप्लीट और हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे मुगल एम्पायर के बारे में. तो ये था दिल्ली सुल्तान की कहानी कि किस प्रकार से दिल्ली में जो सल्तनत थी वो कैसे फॉर्म हुई, ठीक है, जो दिल्ली में एम्पायर था वो कैसे फॉर्म हुआ, किन किन लोगों से योगदान से हुआ है, ठीक है, इसे हम जानेंगे. तो अगले चैप्टर में जो कि मैं आपके लिए कल लेकर आऊंगी, हम कल मिलेंगे उस चैप्टर के साथ एंड चैप्टर नंबर 4 टॉक्स अबाउट मुगल एम्पायर. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड. बाय.